दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे स्टेप की स्टिमरिंग को कैसे ठीक करें और इसके लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा पहला स्टेप वाला ट्रीटमेंट है, मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले स्टेप में जिनकी स्टिमरिंग है वो कौन कौन सी प्रैक्टिस करे, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और एक मेरा और वीडियो है, उसमें बताया गया है कि स्टिमरिंग टोटल 6 टाइप से होती है और 6 टाइप के लक्षण क्या हैं और उनके बारे में डिटेल में बताया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए आइए डायरेक्टली बात करते हैं कि दूसरे स्टेप के जो लक्षण होते हैं कौन कौन से। पहले अपन लक्षण देखते हैं, इसके बारे में बताएंगे सोल्यूशन आपको। तो दोस्तों यदि आपकी स्टिमरिंग दूसरे स्टेज में है तो आपकी स्पीड बहुत हाई होगी, आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातों को बोल लेंगे और जितनी स्पीड पहले स्टेज में रहती है थोड़ा उससे और स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा जो लक्षण है तो आपके इंटरनल ब्लॉकेज आना शुरू हो जाते हैं। इंटरनल ब्लॉकेज से मतलब मेरा कि वो ब्लॉकेज बाहर नहीं आते हैं, आपका होंठ नहीं चिपकता है, लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती है और अंदर वोकल कॉर्ड या अंदर इतना डर जाते हैं कि आपको लगता है कि ये वर्ड नहीं मैं बोल पाऊंगा और रियल में नहीं बोल पाते हैं। तो यदि आपके इंटरनल ब्लॉकेज आ रहे हैं और शब्दों को छांट लेते हैं, अंदर ही अंदर शब्दों से भागते रहते हैं, पानी को जल बोल देते हैं या वाटर बोल देते हैं या सेंटेंस का सिक्वेंस ही चेंज करके बोलने लगते हैं, तो ऐसे ब्लॉकेज को हम लोग इंटरनल ब्लॉकेज कहते हैं। और इन लोगों का जो आई लेवल बहुत लो हो जाता है, मतलब आँख मिलाने का जो पावर है या आँख मिला के बात नहीं करते हैं, समाज से भागते रहते हैं और कोई मीटिंग में या कोई रिलेटिव के यहाँ बिल्कुल नहीं जाते हैं। यदि इनको अचानक जवाब देना होता है तो अचानक जवाब नहीं दे पाते हैं। इंटरव्यू में इनके मन में डर आने लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊँगा और इंटरव्यू से बचने का प्रयास करते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास भी लो हो जाता है। और जो पहले और दूसरे स्टेप के लोग होते हैं, इनको जो है ना गाना गाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये लोग अकेले में बिल्कुल सही बोल लेते हैं। और अक्सर हमसे फ़ोन में लोग कहते हैं कि सर मैं बस थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है ना, या मैं सर बहुत कम मुझे स्टिमरिंग होती है। जो लोग ऐसे होते हैं जिनके लक्षण ये होते हैं, उनको हम कहते हैं कि इनकी स्टिमरिंग दूसरे स्टेज में है। तो दोस्तों अब आइए इसकी बात करें कि इसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि पहले और दूसरे स्टेज में सिर्फ डिफरेंट यह है कि पहला स्टेज के व्यक्ति की केवल स्पीड ज़्यादा रहती है, उसके अंदर हाई ब्लॉकेज नहीं रहता या इंटरनल ब्लॉकेज तो बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन जो दूसरे स्टेज में आता है व्यक्ति उसके इंटरनल ब्लॉकेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। यदि आप इंटरनल ब्लॉकेज आना शुरू हो गए हैं तो ये मानिए कि आपकी स्टिमरिंग दूसरे स्टेज पे है। तो दोस्तों ये हो गए स्टिमरिंग के सिम्टम्स, दूसरे स्टेप के सिम्टम्स। अब आइए बात करते हैं इसका सलूशन क्या है। तो दोस्तों यदि सलूशन में बात की जाए तो सबसे पहले आपको अभ्यास कीजिए, आपको 15 मिनट तक प्रोलॉन्गेशन मेथड्स का यूज करना है। और प्रोलॉन्गेशन का मतलब है कि थोड़ा खींच खींच के बात करना। खींचने का मतलब है कि थोड़ा सा इसको खींच देना, जैसे कि बोलना है कि मैं मैहर का रहने वाला हूँ, तो इसको ऐसे बोलेंगे मैं मैहर का रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सभी वर्ड के पहले लेटर को थोड़ा थोड़ा सा खींच दिया है, इसको हम लोग प्रोलॉन्गेशन मेथड बोलते हैं। और यही मेथड दूसरे सॉरी यही मेथड पहले स्टेज को भी फॉलो करना है, जिनकी स्टिमरिंग पहले स्टेज में है उसको भी यही मेथड फॉलो करना है। तो इसको आपको 15 मिनट करना है और थोड़ा सा खींच खींच के आप स्टोरी पढ़िए या कोई चुटकुल्ला सुनाइए या पेपर पढ़िए, कुछ भी आप करिए, अपनी यहाँ देख के 15 मिनट तक कांच में बैठ जाइए और 15 मिनट आपको लगभग बोलना है। अब दूसरा जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है पहले स्टेज के अलावा, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है उसको हम लोग बोलते हैं आईएमबी मेथड का यूज करिए। आईएमबी क्या होता है? इसका होता है इंटरनल ब्लॉकेज मैनेजमेंट। ठीक है, अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि आईएमबी में कैसे हम अभ्यास करते हैं। तो इसके लिए देखो होता है कि मैं पहले आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप रोड में चलते हैं और कोई ब्रेकर आपको दिख गया है,
तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ब्रेक कहाँ लगाते हैं गाड़ी में, ब्रेकर के जस्ट पहले यानी पहुँचने के बाद या थोड़ा और पहले मारते हैं? मेरे हिसाब से जैसे ही आपको ब्रेकर दिखता है थोड़ी दूर में, जहाँ अभी आप हैं वहीं ब्रेक मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप बेगुन ब्रेकर के करीब पहुँच जाएँ फिर ब्रेक मारें, तो क्या गाड़ी को संभालना संभव है क्या? शायद जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों यही चीज़ यहाँ भी फॉलो करिए, मतलब कि जब आपका ब्लॉकेज न आए, मतलब जहाँ आपका ब्लॉकेज सिंपल है, जिन अक्षरों में आप कभी नहीं हकलाते हैं, वहाँ पर थोड़ा टेक्निक का यूज करिए, है ना। जैसे आपको बोलना है कि मैं मैहर शहर का रहने वाला हूँ, तो अब आपके मन में ये आ गया कि मैं मैहर शब्द में रुक जाऊँगा, मैहर मेरे मुँह से निकलेगा ही नहीं, यदि ये आपके मन में आ गया है। लेकिन मैहर शब्द के जो पहले अक्षर आ रहे हैं, मैं मैहर, है ना, सॉरी, मैं मैहर शहर का रहने वाला हूँ, तो जो मैं शब्द आया है, तो यदि आप मैं शब्द में ज़्यादा टेक्निक का यूज करके बोलते हैं तो मैहर शब्द अपने आप सरल हो जाता है। तो ये जो IMB मेथड है, वो ये कहती है कि हार्ड अक्षरों के पहले जो सरल अक्षर आते हैं, सिंपल अक्षर आते हैं, जिनमें आप कभी नहीं हकलाए, वहाँ टेक्निक का यूज करिए, मतलब उन वर्डों को थोड़ा ज़्यादा खींच दीजिए जिनमें आप कभी नहीं हकलाते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके हार्ड अक्षर स्वयं सरल हो जाते हैं। हमारे कई मित्र भाई ये सोचते हैं कि जो अक्षर मेरे लिए कठिन है उनको मैं पहले बना लूं लिस्ट और फिर उनकी ज़्यादा अभ्यास किया करूँगा, तो इससे हमारा जो हार्ड अक्षर है वो सरल हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो मन है वो कहेगा कि क्यों आप प्रैक्टिस कर रहे हो हार्ड अक्षरों की, क्यों लिस्ट रेडी कर रहे हो हार्ड अक्षरों की। तो आपका जवाब होगा हार्ड इसलिए, बार बार पूछेगा मन आपका, बार बार कहेंगे हार्ड इसलिए, हार्ड इसलिए, हार्ड इसलिए, और हार्ड जितना जितनी बार आप हार्ड बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके हार्ड अक्षर और सरल होते चले जाएंगे। हाँ, जो अक्षर हार्ड हैं वो दूसरे स्टेज के हमारे भाई अभ्यास ना करें, जिनकी स्टेमिंग चौथे पांचवें स्टेज में है उनके लिए मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो किसी भी हार्ड अक्षर की लिस्ट आपको रेडी नहीं करना है, हार्ड अक्षरों की प्रैक्टिस आप बिल्कुल मत करिए, आप टेक्निक का यूज सरल अक्षरों में करिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि 15 मिनट आपको प्रोलॉन्गेशन मेथड करके बोलना है, 15 मिनट आपको IBM टेक्निक यूज करना है, IBM टेक्निक का यूज करना है। और इसको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, कि आप कोई भी स्टोरी की समरी ले लीजिए, मैं स्टोरी की समरी बोल रहा हूँ, समरी का मतलब कि बिना देखे बोलना है आपको, है ना, अपने यहाँ, अपने यहाँ देखिए समरी को, स्टोरी को देखिए और उसको बोलिए, और जहाँ जहाँ आपको लगे कि मेरा ब्लॉकेज आ रहा है तो उसके पहले जो सिंपल अक्षर हैं उनमें थोड़ा टेक्निक का यूज ज़्यादा करिए और ब्लॉकेज से निकलने का प्रयास करिए, जो आपको इंटरनल ब्लॉकेज आ रहा है उसको उससे निकलने का प्रयास करिए। तो जब आप बार बार सिंपल अक्षरों में टेक्निक का यूज करते हैं और आपके लिए हार्ड अक्षर बोलना आसान हो जाता है, फिर आप सिंपल वर्डों में टेक्निक का यूज करके और हार्ड अक्षर को सिंपल बनाते हैं, तो थोड़े दिन बाद सिंपल अक्षर और हार्ड अक्षर के बीच में जो दूरियां हैं, जो खाई आपने रेडी कर रखी है, वो बराबर हो जाती है और आपके ब्लॉकेज आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, इससे अच्छा रहता है। और दोस्तों जो तीसरी अभ्यास है वो आप कॉल रिकॉर्डिंग करिए, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग खूब करिए, है ना। जब भी किसी को आप फोन लगाइए तो कॉल रिकॉर्डिंग करिए, फिर सुनिए उसको, और अपने स्मॉल स्मॉल वीडियो बनाइए, बहुत सारे वीडियो बनाइए और देखिए। और यदि आपको लगता है कि मेरा अच्छा फेस नहीं है तो आप ऑडियो बनाइए। तो आपके पास तीन आइडिया हैं, कॉल रिकॉर्डिंग खूब करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग खूब करिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग खूब करिए, खूब सुनिए और लोगों को सुनाइए और हमको भी भेजिए, हमारे व्हाट्सएप में भेजिए कि मैंने क्या क्या रिकॉर्डिंग किया, तो मैं बताऊँगा आपको कि आपने सही प्रैक्टिस किया है कि नहीं प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग का, ऑडियो बनाने का, वीडियो बनाने का आप 15 मिनट ले लिए, 15 मिनट इसको आप डेली करना है। अगला होता है सेल्फ हियरिंग प्रोसेस। सेल्फ हियरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आप आंखें बंद कर लीजिए और कुछ भी आप पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, चुटकुला पढ़िए, कुछ भी पढ़िए आप, और जब आप कोई चीज़ रीड कर रहे होते हैं सुनना भी उसको है, ये मानिए कि ये आवाज़ कहीं और से आ रही है, तो जब आप अपनी आवाज़ स्वयं सुनेंगे तो आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि मेरी स्पीड कितनी है। और ध्यान दीजिए, जब यहाँ आप सुन रहे हैं अपनी आवाज़ को तो ध्यान अपने पास में रखिए, यदि आपका ध्यान कहीं और है और आप बोल रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो
तो जब भी आप आंखें बंद करके और कुछ भी स्टोरी या चुटकुला पढ़िए और अपनी आवाज़ को सुनते जाइए, जब सुनेंगे तो आपको अपनी आवाज़ को मॉडिफाई करने के लिए टाइम मिलेगा और आप मॉडिफाई करने की हिम्मत आएगी आपके अंदर। तो दोस्तों ये हो गया सेल्फ हियरिंग प्रोसेस। आप इसको जो है ना 15 मिनट करना है और 15 मिनट आपको कमेंट्री करनी पड़ेगी। कमेंट्री का मतलब आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो जो जो दिखा उसे आप कमेंट करिए, है ना, कि सामने एक आम का पेड़ है जो हरे रंग का है। प्रोलॉन्गेशन मेथड यूज करिए, प्रोलॉन्ग मेथड यूज कीजिए और बोलते जाइए, प्रोलॉन्गेशन मेथड कीजिए और बोलते जाइए, खींचते जाइए बोलते जाइए, है ना, ऐसे आप बोलते जाएंगे। और श्वास और योगा ये बहुत ज़रूरी है। मैं बताया था पिछले वीडियो में कि श्वास लेने से जो हमारे ब्रोकास एरिया में ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है या कम फ्लो होता है, तो वो प्रॉपर फ्लो होने लगता है। और योगा और ध्यान करने जो हाइपर आता है हमारे अंदर, हम हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आती है, तो उसमें भी कमी आती है। तो दोस्तों ये आप करिए। और एक और आप शंख ले लीजिए या फिर गुब्बारे आप ले लीजिए, इनका इनको शाम सवेरे 10 मिनट यूज करिए। गुब्बारे को फुलाइए, निकालिए, शंख बजाइए, ये आप करते हैं तो इससे भी आपकी स्टेमिनिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। तो दोस्तों ये हो गया दूसरे स्टेप के लक्षण और उसका सलूशन। मैं आपको फिर से 60 में रिपीट कर रहा हूँ, 15 मिनट आपको प्रोलॉन्गेशन मेथड यूज करना है, 15 मिनट आपको IBM टेक्निक का यूज करके कोई चीज़ रीड करना है, 15 मिनट आपको कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है, और 15 मिनट आपको सेल्फ हेयरिंग करना है, 15 मिनट आपको कमेंट्री करना है, सांस और योगा वाले करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक FMT होता है, FMT मतलब होता है फियर मैनेजमेंट, है ना। हाँ, तो ये जो फियर मैनेजमेंट टेक्निक होती है इसका यूज करिए, है ना। इसमें बताया आपको कि उन अक्षरों में टेक्निक का यूज ज़्यादा करना है जहाँ पर आप नहीं हकलाते हैं। तो ऐसा यदि आप FMT का यूज अपने लाइफ में करते हैं तो आपके अंदर जो फियर है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और दोस्तों एक बुक बहुत अच्छी बुक है, मैं इसकी लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। यदि आपके अवचेतन मन की शक्ति जो बुक है उसको आप रीड करते हैं तो उसमें जितने भी फियर हमारे आसपास होते हैं, बहुत प्रकार के फियर, जैसे कंप्यूटर का फियर, पानी का फियर, हकलाने का फियर, है ना, ऊंचाई का फियर, अपने एग्ज़ाम का फियर, जितने फियर होते हैं सभी का दिया सलूशन इस बुक में। और इस बुक का नाम है आपके आपके अवचेतन मन की शक्ति, है ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये मैंने नीचे लिंक आपको दिया है, उसको देख लीजिए। और ये बुक ऑनलाइन अमेजन में अवेलेबल है, आप चाहें तो इस बुक को आराम से शॉपिंग कर लीजिए, आपके घर में आ जाएगी। और इस बुक को आप पूरा रीड करिएगा, इसमें भी स्टिमरिंग के बारे में दिया है कि फियर कैसे आता है और कैसे निकलता है, रिमूव कैसे होता है। तो ये बुक को आप ज़रूर लीजिए और इसका इसको पूरा रीड करिएगा, तो इससे आपका फियर कंट्रोल रहेगा। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में, कुछ काम का है कि नहीं आपके, आप इसका यूज किए कि नहीं किए बताइएगा। और अब मैं आपको अगले स्टेज का जो वीडियो है, जिनका 3 स्टेज है, जिनके ब्लॉकेज बाहर आना शुरू हो जाते हैं, आंखें दबाना शुरू हो जाते हैं और वो बार बार शब्दों को चेंज करके बोलते हैं, तो जिनके स्टेमरिंग 3रे स्टेज में है उसका मैं बताऊंगा सलूशन आपको अगले वीडियो में। तो यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो हमें आशा है कि वीडियो आपको आपके काम का होगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर लाभ होगा। और आप लोगों के बहुत सारे वीडियो और ऑडियो हमारे व्हाट्सएप में आ रहे हैं, आप भी भेजिए। तो जैसे ही कोई व्यक्ति हमें मेरे व्हाट्सएप में, जो आपको मेरे पीछे, जो मेरे पीछे बोर्ड में नंबर है वो दिख रहा है आपको, 9200824582, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे व्हाट्सएप में आप रिक्वेस्ट भेजिए कि मुझे बोलने की प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी स्टिमरिंग के अनुसार आपको बताऊंगा कि इसका सलूशन ए है।
और यदि आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं रियल लाइफ में तो आपकी स्टमरिंग बिल्कुल ठीक होगी, जैसे रानी मुखर्जी ने किया, ऋतिक रोशन ने किया, आदित्य पांचोली ने किया, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टमरिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे आप भी लाइफ को जिएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।